हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ईयरिंग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और कुछ तो डेली यूज़ के लिए है, जैसे टीनेजर्स गर्ल्स के लिए या छोटे बच्चों के लिए, कि गर्ल्स के लिए भी काम में आएंगे, और कुछ यूनिक भी है जो मैंने तो पहली बार देखे, तो मैंने अपने लिए मंगाए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट जो ईयरिंग्स है वो ये हैं नॉर्मल, और ये सब ये ऐसे एक पैकिंग में आया था, उसके बाद ये एक प्लास्टिक बॉक्स में आया हुआ है। और ये क्या है मैं दिखाती हूँ, मैं अभी पहली बार ही देखा था एक्चुअली, बाकी स्टोन्स वगैरह में मैंने देखा था, पर ये यूनिक लगा मुझे कुछ। तो ये कॉम्बो है, जैसे कि आपको पता होगा मुझे कॉम्बो बहुत पसंद है। ये एक्चुअली है चेंजेबल ईयरिंग्स जो कि हम लोग चेंज कर करके पहन सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कलर्स नहीं ले पाते हैं। तो ये मुझे लगा कुछ जिसमें कलर्स है, जो कि आप ये देखिए, ये ईयरिंग्स है, देखिए बहुत ही प्यारे हैं ये। आपको दो दो कलर के होंगे, क्योंकि मैंने इन दोनों को अलग अलग कलर्स, दोनों ईयरिंग्स में दोनों अलग अलग कलर्स डाले हुए हैं। तो एक्चुअली ये जो है ऊपर की फ्रेम जो है वो देखिए ऐसे अलग है, और इसके पीछे आपको ऐसे मिलेंगे। आई थिंक ये प्लास्टिक ही लग रहा है मुझे, प्लास्टिक के है, जैसे कि कैरम की गोटियाँ होती हैं उस टाइप का लग रहा था मुझे, वैसा इसके साथ मिले हुए है, जो हम लोग चेंज कर करके पहन सकते हैं, यानी हमें बहुत सारी ईयरिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे इसके साथ मिले हुए हैं, जिसमें एक होल है, देखिए कलर्स देखिए, ब्लू है, रेड है, येलो है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लैक है एंड पिंक है, जो रानी कलर होता है वो है। तो मतलब एक ईयरिंग लेने से 7 ईयरिंग्स बन जाते हैं, एक्चुअली 7 कलर्स आपको मिल रहे हैं, सॉरी 7 कलर्स आपको मिल रहे हैं। वैसे मैंने उसमें देखा था किसी किसी को 9 कलर्स भी मिले थे, पर मुझे 7 कलर्स ही मिले हैं। ये देखिए, ये ऐसा ईयरिंग है, ये जो फ्रेम है ये ऊपर से है, जिसके अंदर हम अलग अलग कलर्स डाल सकते हैं, जैसे कि ये रेड है, अभी इसको बस ऐसे निकालना है आपको जैसे चेंज करने के लिए, और ये ग्रीन है, उसको हम ऐसे डाल देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसकी डिज़ाइन भी इतनी प्यारी है, पहनने के बाद अच्छा लगेगा, सी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। इसमें ये जो फ्रेम है ये अलग अलग भी है, प्लेन आपको प्लेन फ्रेम मिल जाएगी, बहुत सारे वेरिएशन इसमें है। मैं आपको इसका कोड दे दूँगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे बहुत प्यारा लगेगा, चाहे साड़ी पे हो या ड्रेस पे हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए इस ड्रेस पे भी मैच हो रहा है कॉन्ट्रास्ट में, रेड के साथ ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से दी गई है, ऊपर मोती है, आजू बाजू भी पूरे राउंड में मोती है, और अंदर जो है वो कार्विंग की गई है गोल्डन से, और बहुत ज़्यादा ब्लिंकी ब्लिंकी नहीं है, बहुत ही प्यारा सटल है, इसलिए डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ 7 कलर्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, एक ईयरिंग लेने पे आपको 7 ईयरिंग बन जाएंगे, आपको जो कलर चाहिए वो आप चेंज करके पहन सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और इसकी फिनिशिंग अच्छी है। पीछे से भी आपको दिखा दूँ मैं फिनिशिंग, देखिए कहीं चुभने वाला कुछ नहीं है, पर ये ग्रीन वाले पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, टेक्स्चर दिख रहा है, पर वो दिखने नहीं वाला है एक साइड में, क्योंकि ये जो है वो प्लास्टिक जैसे है, ये जो है वो प्लास्टिक के लग रहे हैं मुझे, हल्के है बहुत, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ईयरिंग्स है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगा, और इसके इसका प्राइस जब मैं बताऊंगी वो आपको भी अच्छा लगेगा। और भी जिस प्राइस में मुझे 7 ईयरिंग्स समझ लीजिए मिले हैं, ये मुझे मिला है, इसका प्राइस जो है वो है 164 रुपीज़ ओनली, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और अगर 164 रुपीज़ उसका एक्चुअल प्राइस है, पर 10-20 रुपीज़ हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है, सेल में भी थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, तो वैसे ही आप भी चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसके लिए तो बहुत बड़ा थम्सअप है, बहुत ही प्यारे
लगे मुझे ये इयररिंग्स, और किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छा है, सब लोग पहन सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं आपको दिखूंगी बहुत सारे वीडियोस में ये पहने हुए। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मुड़ते हैं और एक चीज़ की तरफ, जो भी कॉम्बो ही है, ये एक्चुअली इयररिंग सेट है। ये भी ऐसे ही रैप में आया था और उसके बाद इसमें प्लास्टिक बॉक्स में आया, पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली ये है, देखिए सोशल मीडिया वाले इयररिंग्स है, इसमें बहुत सारे हैं, फेसबुक, ट्विटर, एप्पल और भी बहुत सारे हैं, पर इसका प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको निकाला भी नहीं, यूज़ भी नहीं किया। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया था, इसका साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ। देखिए एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, ये जो जिस पे इयररिंग्स लगाए हुए हैं उसी, मतलब जो बैक वाला ये जो होता है ना उसका लगाने वाला, उसी के ऊपर उन्होंने ग्लू से ये चिपका दिया है। तो ये जो पेपर है उसके साथ भी चिपक गया, इसलिए जब मैं इयररिंग निकालने जा रही हूँ तो वो पहले सामने का ही निकल के आ रहा है, जबकि इसकी यही एक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे सब निकले हुए हैं, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सब शेप्स है इसमें निकले हुए हैं इसके। देखिए फेसबुक का, तो ये सब ये प्रॉब्लम इसमें आया हुआ है और ये जो है वो निकल चुके हैं। पर इसकी जो फिनिशिंग है, जो कटआउट्स उन्होंने किए हैं इयररिंग्स के, वो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसे रिटर्न ना करके इसे फेविक्विक से चिपका दूँ, क्योंकि ये तो फेविक्विक से ही चिपक जाएगा, तो मैं उससे इसे चिपका दूँगी और रखूँगी, क्योंकि ये लड़कियों को बहुत प्यारे लगते हैं, गर्ल्स है, टीनेजर गर्ल्स है या हमें भी। मैं तो वैसे इतना छोटे पहनती नहीं हूँ, पर अगर आप लोगों को पसंद है, कभी कभार पहनने के लिए अच्छा लगता है, जब बड़े पहनना नहीं है हमें उस टाइम पे, हम छोटे से पहन सकते हैं उस टाइम के लिए, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा। आजकल सोशल मीडिया का कुछ भी हो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इसलिए अच्छे लगेंगे। तो ये मैं चिपका कर यूज़ कर लूँगी, बस इसी यही एक साइड इफ़ेक्ट है। देखिए इसमें से अभी भी कुछ कुछ चिपके हुए हैं, क्योंकि मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं किया है, आने के बाद मुझे देखा और वैसे ही रखा है, क्योंकि वीडियो बनने का था इसीलिए। तो ये देखिए अभी भी ये वाला जो है अभी चिपका हुआ है, ये भी चिपका हुआ है, अगर निकालने की कोशिश करूँगी तो वो निकल जाएगा, इसलिए मैं निकाल कर सारे पैर फिर से चिपका लूँगी और फिर यूज़ करूँगी, ताकि वो फिक्स हो जाए अच्छे से। तो यही प्रॉब्लम है, और मैं सोच भी रही थी क्या मैं इसे रिटर्न करूँ, पर इसका प्राइस देख के मुझे लगा कि नहीं छोड़ो, फेविक्विक से चिपकाने से हो जाएगा यार, तो क्यों रिटर्न करना, इतने प्यारे लग रहे इयररिंग्स, बच्चों को बहुत प्यारे लगेंगे, वो देख के बच्चे बहुत खुश हो गए, मेरी बेटियाँ स्पेशली बहुत खुश हो गई थी ये देख कर। तो इसीलिए मैं मुझे लगा कि आपकी अगर बेटियाँ हैं छोटी छोटी तो उनको भी प्यारे लगेंगे, और बहुत ही हल्के हैं, लाइट वेट है, कब कहीं भी पहन के जा सकते हैं, इसलिए बहुत प्यारे हैं। और इसका प्राइस जो है वो है ओनली 65 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, 65 रुपीज़ इसका प्राइस है, बट इसमें डिलीवरी चार्जेस 60 रुपीज़ हैं, मतलब आपको टोटली 125 तक पड़ेगा, पर मुझे उसमें भी डिस्काउंट मिला था, इसलिए मुझे आई थिंक 110 तक मिल गया था ये। तो उसको सोच के मैंने सोचा कौन वापस करेगा, इसको थोड़ी मेहनत करके इसे अच्छा बना देंगे, क्योंकि इसकी फिनिशिंग जो है ना बहुत ही प्यारी है, देखिए जिन जो कार्विंग की गई है बहुत ही प्यारी है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं करते। देखिए ये अभी भी फेसबुक वाला चिपका हुआ है, इसलिए ये अच्छा है। अगर आप ये प्रॉब्लम बेयर कर सकते हैं, मतलब चिपका सकते हैं इसको, तो आप ले सकते हैं, वरना ये आते बराबर ही मैंने खोला था तो निकला हुआ था, एक दो तो निकले हुए थे, एक दो को मैंने निकालने की कोशिश की इयररिंग्स को, तो वो निकल गए, इतना मतलब हल्के लगाए हुए हैं, यही एक प्रॉब्लम है इसमें। पर प्राइस वाइज अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा है, अगर चाहिए आपको तो आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये आप पे छोड़ती हूँ कि अगर आपको अच्छा कर अगर आप एडजस्ट कर सकते हो उसको तो आप ले सकते हैं। तो ये हो गए मेरे सेकेंड इयररिंग्स। उसके बाद मिलते हैं थर्ड इयररिंग से, जो भी एक कॉम्बो है वो तो मुझे लगता है बहुत लोगों के पास होगा भी, मेरे पास भी बहुत पहले थे, पर मैंने ये कॉम्बो में देखा और तो मुझे अच्छा लगा, बच्चों के पास रहा, क्योंकि रोज़ के ये लोग इयररिंग इधर उधर घुमा देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कॉम्बो मंगाते हैं। और उसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ, वो मुझे मिले हैं 54 pairs ऑफ इयररिंग्स, इसलिए मुझे लगा कि ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, 54 pair ऑफ इयररिंग जो कि है ये देखिए
जो सबके पास आई थिंक होंगे ही, बहुत ही बेसिक से ईयरिंग्स है, पर मुझे अच्छा एक लगा कि इसमें सारे कलर्स है। स्पेशली देखिए ये एक जो पत्ता है, इसमें तीन मिले हैं मुझे, सॉरी तीन पत्ते मिले हुए हैं। इसमें फर्स्ट वाला जो है ये, इसमें ब्लैक, वाइट एंड रेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए ये तो। और इसमें अच्छी बात ये है कि हम लोग बाहर से तो लेते हैं, उसमें साइजेस भी अलग होते हैं। इसमें देखिए साइजेस, बहुत सारे साइजेस हैं, एक्चुअली तीन साइजेस, साइज वेरिएशन दिए गए हैं। बहुत बड़ा, एक बड़ा साइज़ है, एक मीडियम है, एक स्मॉल साइज़ है, तो बच्चे जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, हम भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा लेने के लिए, वरना हम लोग लोगों के पास ये होते हैं। उसके बाद ये अच्छा लगा मुझे, सॉरी ये नहीं, उसी का वेरिएशन ये है, छोटे छोटे मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको, दिखेगा नहीं, ये देखिए, ये एक्चुअली छोटे छोटे स्टड्स है, पर इसमें छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स जैसे चमकते भी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इनमें कलर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर्स हैं, देखिए पिंक है, फिरोजी है, उसके बाद मजेंटा टाइप है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं, जो कि मतलब मैचिंग करके हम लोग पहन सकते हैं, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि ढूंढने जब हम जाते हैं ना कलर मैचिंग तो हमें मिलता नहीं है, इसलिए ये अच्छा है। लेकिन आपको खोल के दिखाई दूँ मैं, आइडिया आ जाएगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी है इनकी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है चिपकने वाला, ये देखिए बहुत प्यारा है। अब मुड़ते हैं थर्ड पत्ते की तरफ, पूरा का पूरा पत्ता, और इसमें 54 ये पेयर ऑफ ईयरिंग्स है। ये है फ्लोरल वाले ईयरिंग्स, ये भी बहुत सबके पास होंगे आई थिंक, मेरे पास भी बहुत पहले थे, पर इसमें मेरे पास शेडिंग वाले भी थे, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा मुझे ईयरिंग्स का वैसे भी बहुत शौक है, तो मेरा बचपन से ही मेरे पास कलेक्शन होता है, जो भी आता है मेरे पास होता ही है। पर ये बड़े वाले जो है मुझे लगा था बहुत बड़ा साइज़ होगा, पर बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, मेरे हिसाब से बड़ा नहीं है, मुझे बड़े होते तो और ज़्यादा अच्छे लगते। ये मीडियम है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है, ये बहुत ही छोटा है, पर बच्चियों को अच्छा लगता है, लड़कियाँ जो है हमारी छोटी बच्चियाँ होती है या टीनेज होती है, उन्हें बहुत बड़े बड़े नहीं पसंद आते डेली के लिए, उनके लिए तो परफेक्ट है। इसमें भी बहुत प्यारे कलर है, देखिए बेबी पिंक है, फिर पर्पलिश है, येलो है, फिर रोजी है, रेड है, ग्रीन है, सारे कलर्स है, जो कि बहुत ही प्यारे है, देखिए। और किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छे है, जैसे कि रिटर्न गिफ्ट देने के लिए भी बहुत प्यारे है, छोटे से बहुत अच्छे है, यूज़फुल है, उससे ज़्यादा यूज़फुल है उसका प्राइस, जो कि मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है सिर्फ 144 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, 144 रुपीज़ में 54 पेयर्स आपको मिल रहे हैं, यानी कितना कम। और मुझे तो ये 130 रुपीज़ में ही मिला है तीनों, 130 रुपीज़ में, तो मेरे लिए तो ये विन विन ऑफ़र है। मैंने जैसे बताया थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमेशा मिलता रहता है, ऑनलाइन पे करते हैं उसके लिए भी होता है कुछ ऑफ़र, तो ऐसे में मिल जाता है, ये देखिए बहुत ही प्यारे हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो तीनों जो मैंने सेट्स मंगाए हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं, बस उसमें जो सोशल मीडिया वाले जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, डिफेक्ट ही बोल सकते हैं उसको, हम अगर ठीक कर सकते हैं तो ले सकते हैं आप। तो ये हो गया आज के मेरे ईयरिंग्स कलेक्शन, और हाँ ये सारे ईयरिंग्स मैंने मीशो से परचेस किए हुए हैं, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके प्रोडक्ट कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा और ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टॉकआउट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए सब लोग ले लेते हैं। तो और कुछ तो बहुत ही यूनिक है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप ले सकते हैं वो अपने लिए। तो ये हो गया आज का मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं जब मैं ये वीडियो नहीं डालती हूँ तो उधर मैं अपडेट्स डालते रहती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।